गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नवोदय प्रवेश परीक्षा का अंकगणित जो परीक्षण है उसका मैं सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सिलेबस में आपका क्या क्या है और आपको पढ़ना क्या क्या है, क्लियर? ये चीज पढ़ना तो हालांकि पूरा है, ठीक है, फिर भी उसमें से जो बताऊंगा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से रहा सिलेबस, हम पहले लिख चुके हैं आपका सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले आता है आपका संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या आता है? संख्या एवं संख्या पद्धति आपका फर्स्ट नंबर आता है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। दूसरा नंबर आता है आपको पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, मतलब आप संख्या पद्धति में पढ़ोगे संख्या कितने टाइप्स की होती है, उसके बाद आपका एक संख्या होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। इनके आधारभूत इनकी संक्रियाएं कुछ होंगी, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं। फिर आता है आपका भिन्न और भिन्नों पर आधारभूत प्रश्न, आधारभूत संक्रियाएं। क्या आता है? भिन्न और भिन्नों पर आधारभूत संक्रियाएं, क्लियर। ये होता है आपका तीसरा अध्याय। चौथा है आपका गुणनखंड, गुणज एवं उनके उनके गुणज, ठीक है, उनके गुणनखंड, ठीक है। अब आपको आता है फिफ्थ आता है आपका लघुत्तम समापवर्तक और महोत्तम समापवर्तक। क्या आता है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल। क्या आता है? वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल। उसके बाद आपका आएगा दशमलव संख्याएं एवं इन पर आधारभूत प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, दशमलव संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मापन के अनुप्रयोग, ठीक है। क्या आएगा? मापन के अनुप्रयोग, कि अपन जो मीटर सेंटीमीटर है ना, इंच वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, तो उनका यूज कहाँ करना, कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके आधारभूत प्रश्न आएंगे। फिर आता आपका व्यंजकों का सरलीकरण, नाइन्थ नौवा क्या है आपका? व्यंजकों का सरलीकरण, ठीक है ना। ये आपको कुछ व्यंजक होंगे उनको आपको आपको सरल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ फिर से। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यहाँ पर है, उसके ऊपर जो चौथा है वो गुणनखंड और गुणज है। छठवा है वो वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल है। और जो आपका सातवा है, आठवा सातवा है वो आपका दशमलव संख्या, ठीक है। अब यहाँ दसवा आता है आपका औसत। क्या आता है? औसत, ठीक है, ये आपका दसवा है औसत। उसके बाद आपका आता है प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग। क्या आता है? प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग। उसके बाद बारहवा आता है आपका क्या आता है? लाभ और हानि। क्या आता है? लाभ और हानि। तेरहवा आता है साधारण ब्याज। क्या आता है? साधारण ब्याज। चौदहवा आता है अनुपात और समानुपात। क्या आता है? अनुपात और समानुपात। पंद्रहवा आता है कार्य और समय। क्या आता है? कार्य और समय। उसके बाद आपका आता है क्षेत्रफल, समय तथा दूरी। क्या आता है? क्षेत्रफल, समय तथा दूरी। फिर आता है आपका आपका क्या अठारह सत्रहवा आता है क्या? क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन। सत्रहवा क्या है आपका? क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन, ठीक है। अठारहवा क्या है? पैटर्न, ठीक है। और उन्नीसवा क्या है? आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। क्या है लास्ट आपका? उन्नीसवा क्या है? आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका सिलेबस। ये आपका इसके नवोदय प्रवेश परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आप आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो ना, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कुछ ट्रिक होंगी जिस ट्रिकों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस ट्रिकों के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर। तो आपको ये सब हमारा चैनल AIST Academy पर पूरा आपको सिलेबस का मिलेगा। उसके साथ साथ आपको वीडियो भी मिलेगी नाइन्थ की, नाइन्थ मैथामेटिक्स, टेंथ मैथामेटिक्स, इलेवेंथ मैथामेटिक्स, 12th मैथामेटिक्स, जीके ट्रिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है ना, बीटेक करने वाले हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, तो आप जाकर के वहां पर उनको देख सकते हो और लाइक कर सकते हो। और आपको और इसमें जो भी आपको कमी दिख रही है उसके साथ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर आप थोड़ा सा ये इम्प्रूव कीजिएगा। जैसे मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा लाइट का ये है कि लाइट यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो मैंने बोला हाँ उसको मैं कुछ दिनों में सॉल्व भी कर लूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो भी प्रॉब्लम आती हो समझ में वो आप बता सकते हो। थैंक यू।